कुंभ का स्टॉल लगा है, जनवरी से मार्च के बीच में आप आइए और कुंभ एक बहुत अच्छा इस बार मतलब है। दूसरा ODOP के माध्यम से हम लोग अपने जो पारंपरिक उद्योग हो उनको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम में हम प्रमोट कर रहे हैं, अलग अलग ज़िलों के स्टॉल लगे हैं, आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या क्या बन रहा है और क्या हम आगे करने जा रहे हैं। तीसरा इन्वेस्टर्स मीट हमने की थी, उसमें तमाम इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, हम लोग बहुत ही प्रो इंडस्ट्रीज बहुत सारी चीज़ें कदम उठाए हैं और कई नई पॉलिसीज लाई हैं। मुझे लगता है उसके माध्यम से निश्चित रूप से निवेश को कानपुर भी गए थे, वहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर नहीं, मैं अभी गया नहीं था। डिफेंस कॉरिडोर का 14 सिंह 16 का कार्यक्रम है, मैं एक दिन जाऊँगा, डिफेंस कॉरिडोर हो रहा है और वहाँ काफ़ी इंडस्ट्री है। सर डिमोनेटाइजेशन के बाद जितने कार्य और बनारसी वाले जो काम करने वाले लोग हैं उनको बड़ी परेशानी हो रही है, इसके लिए क्या कुछ केंद्र सरकार अब कुछ अलग तरीके से कर रही है? मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी हो रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी पूरा हम लोग ये प्रमोट कर रहे हैं कि छोटे मझोले उद्योगों को, पारंपरिक उद्योगों को हम प्रमोट करें, उसके लिए उनको लोन्स भी मिल रहे हैं, उसके लिए उनको उसके डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, डिज़ाइन भी दे रहे हैं, उसके लिए मार्केट भी डेवलप कर रहे हैं, उसके डेवलपमेंट भी करा रहे हैं, सभी प्रकार से लेकिन भी है। और जो उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की आय दोगुना करने के लिए बात गन्ना किसान ही नहीं बल्कि सभी किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए फार्म एक्टिविटीज़ भी और ऑफ फार्म एक्टिविटीज़ दोनों को हम प्रमोट कर रहे हैं।